हेलो व्यूअर्स, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आज का टॉपिक है, भारत में फिल्म और क्रिकेट को ही क्यों इतना इम्पोर्टेंस मिलता है, बाकी चीज़ों को क्यों नहीं मिलता है उतना इम्पोर्टेंस। आप आखिर तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। सी दोस्तों, भारत में क्रिकेट छोड़ के और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, एथलेटिक्स है, बहुत सारे एथलेटिक्स है। लेकिन हम लोगों में से कितने लोगों को कितने फुटबॉलर के नाम मालूम है, कितने हॉकी प्लेयर के नाम मालूम है, कितने एथलेटिक्स जो खेलते हैं उनके नाम मालूम है? बहुत कम मालूम है। इसका कारण एक ही है कि भारत देश में एक ही स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मीडिया भी एक ही स्पोर्ट्स के बारे में बार बार लिखते हैं प्रिंट मीडिया में और टेलीविज़न में, लेकिन बाकी फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, उन सब स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कम बोला जाता है, बहुत कम दिखाया जाता है। उन सब जो खिलाड़ी है उनके बारे में बहुत कम बोला जाता है। मैं दोस्तों एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ गांव में कितने प्रतिभा है, कितने लोग हैं जो खेलना चाहते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको फिनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो आगे आ नहीं पाते हैं। मे भी एक दो कंपटीशन खेलते हैं, फिर वो नौकरी के पीछे जुट जाते हैं, तो उनका जो प्रतिभा है वो ही मर जाता है। तो गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, शायद अभी आ रहा है, पहले से बहुत इम्पोर्टेंस थोड़ा बहुत दिया जा रहा है, लेकिन और भी दिया देना चाहिए जैसे क्रिकेट को मिलते हैं, सो दैट भारत के नाम, देश के नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आगे आए, लोग भारत को जाने, भारत में भी प्रतिभा है वो लोगों तक पहुँचे, दुनिया के लोगों तक पहुँचे। तो ये है स्पोर्ट्स के बारे में। बाकी मैं बोलना चाहता हूँ फिल्म के बारे में। सी, फिल्म एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है जो हमारे हमको एंटरटेनमेंट देने के लिए है। जब हम थक हार के शाम को घर आते हैं तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए वो चाहिए हमको। मैं भी पिक्चर देखने चला गया, बट वो ही सब कुछ नहीं, वो फिल्म स्टार भगवान नहीं है। ऐसा इंडिया में ऐसा थ्रू मीडिया और तो ये सब ऐसा दिखाया जाता है कि वो लोग ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, वो लोग हमारा पैसा लूट के जा रहा है, हमारा पैसा अपने पॉकेट से निकाल के वो जा रहा है पैसा लेके, लेकिन उनको कुछ परी नहीं है, बट हम लोग उनको भगवान समझ रहे हैं, विच इज़ नॉट आई थिंक करेक्ट। देर आर सो मेनी थिंग्स अदर देन फिल्म। सी, हमारे देश के जवान लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, ठंडी में, गर्मी में, धूप में, उनके नाम कोई नहीं जानता है, उनको दिखाना चाहिए मीडिया में, उनके नाम हमको मालूम होना चाहिए, ना कि एक फिल्म स्टार के नाम। देर आई एम फ्रॉम ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड, आई नो देश में कितने काम हो रहा है टेक्निकल ग्राउंड पे, कितने इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में आ रहा है, इंडियन कंपनी इंटरनेशनल ग्राउंड पे जा रहा है, कितने इन्वेंशन हो रहा है, कितने लोगों को मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, कुछ दिखाया नहीं जाता है, खाली वो फिल्म किसने कुछ कंट्रोवर्सी किया, कौन सा फिल्म क्या किया, किसने मी टू कैंपेन, उसके जरिए क्या क्या खराब चीज़ हो रहा है, हमको क्यों पढ़ना है, उसमें क्यों जाना है, वो सब नहीं देखना है हमको, हमको इंडिया नाम आगे बढ़ाना है। देर आर सो मैनी सोशल एक्टिविस्ट जो सोसाइटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनको आगे लाना है, देश को आगे लाना। देर आर लॉट ऑफ गुड टीचर्स, देर आर लॉट ऑफ गुड प्रोफेसर्स, देर आर लॉट ऑफ गुड इंजीनियर्स, उनको उनका नाम उनको सिलेक्ट करना चाहिए, गांव में से, शहर में से, उनको आगे लाना चाहिए, उनके नाम मीडिया में बोलना चाहिए, ऐसे देश का उन्नति होगा। वो फिल्म और क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट इंडिया दो बार वर्ल्ड कप लाया, T20 जीता, अच्छा है इंटरनेशनल, बट वो ही सब कुछ नहीं है, वो उसको भी सपोर्ट कीजिए, वो चलने दीजिए, बट फुटबॉल, हॉकी, उनको भी सपोर्ट कीजिए, उनको भी सेम इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए जैसे क्रिकेट को मिल रहा है। सो मैं चाहता हूँ दोस्त, आप लोग व्यूअर्स, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए बाकी सब स्पोर्ट्स को भी, और मीडिया को भी आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, तभी अपना देश आगे बढ़ेगा। खाली फिल्म और क्रिकेट से ही देश आगे नहीं बढ़ेगा, सब चीज़ को दिखाना चाहिए मीडिया, लोगों तक पहुँचाना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि बाकी सब चीज़ों में भी नाम हो सकता है, देश का नाम आगे जा सकता है, खाली वो फिल्म और क्रिकेट से ही नहीं होता है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस कंट्री, लॉट ऑफ गुड थिंग्स, सो
मैं फिल्म खराब है ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। देर आर गुड पीपल इन फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो जो डोनेट करते हैं सोसाइटी के लिए, पुअर लोगों के लिए। अच्छा है, वो चीज़ अच्छा है। कुछ फिल्म है जैसे सत्यजीत राय ने नोबेल प्राइज लाया, अच्छा है, ऑस्कर लाया सॉरी, तो अच्छा है। तो ऐसा फिल्म बनना चाहिए। बट कुछ फिल्म डायरेक्टर क्या है, वो हॉलीवुड से कॉपी करते हैं और हमको दिखा देते हैं। उसमें क्या है, वो तो हॉलीवुड का कॉपी मैं दिख लूंगा ना, आपका आपका मूवी मैं क्यों दिखूँ। ऊपर से बकवास फिल्म बनाते हैं, हम लोग जाते हैं पैसा खर्चा करते हैं आ जाते हैं। कुछ कुछ फिल्म स्टार तो ऐसा है कि सपोज एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मोबाइल के ऐड करते हैं, राइट। में भी उतना दाम नहीं है मोबाइल के ऐड करते हैं। बट दोस्तों एक चीज़ हमको बताइए, वो खुद वो मोबाइल यूज़ करते हैं क्या? वो तो आईफोन लेके घूमते हैं। वो थोड़ी सी वो कार का ऐड करते हैं छोटे कंपनी का जो हम लोग यूज़ करते हैं, मैं भी हाँ। बट वो तो मर्सिडीज ऑडी उस सब में घूमते हैं ना, वो थोड़ी वो छोटे कार में घूमते हैं। बट वो ऐड करते हैं कि मैं भी यूज़ करता हूँ। तो दीज आर सी रॉन्ग थिंग है। अच्छा कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा, मैं भी 1-2 साल पहले, एक फूड प्रोडक्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये नूडल्स है, तो वो बैन कर दिया गया था। लेकिन आपको याद होगा उसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन लोगों ने कितना ऐड किया, कितना करोड़ों कमाया, चले गए करोड़ों कमा के। लेकिन हम लोगों को उस फूड में क्या मालूम है आपको, जो उसमें लेड मिला था, हाँ, पीवी लेड, शीशा जो होता है, तो उससे क्या होता है ना, अपनों कैंसर होता है। तो बट वो लोग तो पैसा कमा के ऐड करके चले गए, लेकिन हम लोग वो सब खाए, सालों भर खाए। तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों का? कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ ये यूट्यूब के ज़रिए, देखिए ये चीज़ जो है, ये टॉपिक है मेरे दिल में बहुत दिन से था। मैं सोचा था कि क्या मेरे को ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले कि मैं अपना अंदर का बात बता सकूँ। सी आई एम टेलिंग दिस थिंग फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, हाँ। सो मैं इतना दिन सोच रहा था कि कैसा एक प्लेटफॉर्म मिले कि मैं मेरा अपना चीज़ बता सकूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म मिला तो मैं बता रहा हूँ आपको। सी देर आर फिल्म स्टार, मेरे को मतलब बहुत दुख होता है बोलने में। कुछ फिल्म स्टार कुछ दिन पहले बोला कि मैं भारत में रहना सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ। व्यूअर्स एक चीज़ बताइए, सही है क्या? भारत इतना ख़राब देश है क्या कि वो भी एक बॉम्बे बॉलीवुड में सिक्योर जगह पे रह रहे वो बोल रहा है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ इंडिया में रहने के लिए। हालांकि वो इंडिया में रह रहा है, खा रहा है, इधर से करोड़ों कमा रहा है, विदेश घूम रहा है, लेकिन इधर ही रह रहा है और बोल रहा है मैं इंडिया में सुरक्षित नहीं हूँ। इज इट करेक्ट? ये सच है क्या? आप बताइए। तो ये सब जो है ना, ये मैं बोल रहा हूँ, मे बी फॉर मनी, फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, फॉर देयर फेम, दे आर टेलिंग ऑल दिस थिंग्स विच इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल, जो अपना देश का नाम नीचे कर रहा है। हाँ फिल्म खराब नहीं है, अच्छा फिल्म बनाइए, सत्यजीत राय जैसा, और अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, बट कॉपी मत करिए, अपना टैलेंट से बनाइए। इतना बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप कम बनाइए, अच्छा फिल्म बनाइए, देश का नाम आगे कीजिए, दैट इज़ गुड। बट आप ऐसा मीडिया भी फिल्म को ऐसा, किसी का शादी हो रहा है, अरे मेरे को क्या लेना देना है, तुम शादी कर रहा है, वो पूरा मीडिया में न्यूज़ में पूरा दिन वो ही दिखा रहा है, उससे मेरे को क्या लेना देना है, मेरे को काम करना है, मेरे को अच्छा जॉब कैसे मिलेगा वो दिखाओ, मेरे को ट्रेनिंग कैसे मिलेगा वो दिखाओ, मेरा देश का कैसे उन्नति हो वो दिखाओ। गरीब लोग, अरे देश में कितने गरीब लोग हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आई एम फ्रॉम ए रिमोट विलेज, कितने गरीब लोग हैं जो आज तक जो स्टेट में रहता है ना उसका कैपिटल तक नहीं गया है। सपोज एक छोटा स्टेट है, उसका वो गांव में रहता है, उसका जो कैपिटल राजधानी है वहाँ तक भी वो नहीं आया आज तक, हाँ, वो गांव में ही है, वो जिंदगी भर गांव में ही बिता दिया, तो उतना पैसा नहीं है। तो वो सब के लिए कुछ करो यार, कौन शादी कर रहा है, कौन विदेश घूम रहा है, कौन किसके साथ FIR है, वो सब देखने में मेरा क्या है, आई डोंट वॉन्ट टू सी ऑल दिस थिंग्स। मेरे को मेरा देश क्या, देश ने क्या इन्वेंशन किया नया, देश का नाम कैसे आगे आया, वो सब देखना है हमको, हाँ। कितना कॉलेज बना, कितना हॉस्पिटल बना, रोड बना, और रोड बन रहा है कि नहीं उसका दिखाइए, आप रिव्यू करिए, कौन सा स्टेट में कितना इम्पोर्टेंस हो, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो दिखाइए। अरे वो फिल्म में क्या हो रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, क्या हो रहा है, इससे मेरे को क्या मतलब है, वो एक कम्युनिटी है, दे आर फॉर आवर एंटरटेनमेंट, वो हमको एंटरटेनमेंट चले जाएंगे पैसा लेके, हमको कुछ देने वाला नहीं है। हाँ हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, मैं जाऊंगा 1 घंटा देख लूंगा, 3 घंटा देख लूंगा, टाइम निकाल के एंटरटेनमेंट कर लूंगा, बट वो ही मेरा जिंदगी का सब कुछ नहीं है।
और क्रिकेट क्रिकेट एज ए स्पोर्ट इट इज़ गुड, बट सेम सपोर्ट सेम फिनेंशियल बैकिंग बाकी स्पोर्ट्स को भी मिलना चाहिए. देर आर सो मेनी टैलेंट इन दिस कंट्री, सबको वो सपोर्ट मिलना चाहिए. खाली इन दोनों चीज़ में ही पूरा पैसा लुटाना नहीं चाहिए अपने देशवासियों को. गवर्नमेंट आई थिंक कर रहे हैं, पिछले गवर्नमेंट भी किया था, ये गवर्नमेंट भी कर रहा है, गवर्नमेंट अपने तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सबका सपोर्ट भी चाहिए. और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया को, मीडिया को आगे आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए बाकी सब चीज़ों में. मैं बोला एडुकेशन, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जो अपना कृषि क्षेत्र है जिसमें कल्टीवेशन है, उसमें क्या क्या रिवोल्यूशनरी इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको आगे लाना चाहिए. अपने अपने जो डिफेंस है उसमें क्या क्या अच्छे चीज़ हो रहा है, कैसे हम हमारे देश को प्रोटेक्ट. दोस्तों मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. मेरे एक यू नो नियर एंड डियर का कुछ इंसिडेंट हो गया था जो थोड़ा सीरियस था. एक पुलिस ऑफिसर ने एक दिन में वो सॉल्व किया, तो मेरे लिए वो पुलिस ऑफिसर सेलिब्रिटी है, ना कि वो जो यू नो मोबाइल फ़ोन का ऐड करता है और खुद आईफोन लेकर घूमता है, वो नहीं है. वो पुलिस ऑफिसर मेरे लिए सेलिब्रिटी है. दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड माई यू नो कंसर्न वाट आई एम यू नो ट्राइंग टू टेल यू. सो आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, सपोर्ट कीजिए. और मेरा मेन रिक्वेस्ट है मीडिया से, आप सब चीज़ को आगे लाइए, जब भी देश आगे बढ़ेगा. और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में सब कुछ है, बट फिर भी इतना साल हो गया, फ्रीडम मिला, हम लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं. हम लोगों को हमारे पास सब कुछ है, एवरीथिंग. मैं भी विदेश घुमा हूँ, मैं देखा हूँ, यूरोप कंट्री में गया हूँ, सिंगापुर ये सब कंट्री में गया हूँ. हमारे पास जो है उनके पास, बट उन लोग क्या है, सिस्टमेटिकली मेंटेन करते हैं, क्लीन रखते हैं और रूल फॉलो करते हैं. ये तीन चार चीज़ है, ऐसा नहीं वो लोग बहुत एडुकेटेड है, ऐसा भी नहीं है. उधर भी उतना हमारे जैसा ही है, लेकिन वो लोग क्या है, रूल फॉलो करते हैं. जो जो सपोज एक रोड बनाया उसको वैसा मेंटेन करते हैं और सिस्टमेटिकली जीते हैं, सिस्टमेटिकली सोसाइटी में रहते हैं, वही है. सो दोस्तों हम लोग भी एक दिन आगे बढ़ेंगे. सो मेरा ये कहना है तो दोस्तों कि मीडिया को सबसे आगे आना चाहिए. ये क्रिकेट और फिल्म सब कुछ नहीं है, और भी हमारे देश में बहुत टैलेंट है, उसको भी आगे लाना है. गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है और मीडिया को भी आगे आना चाहिए, हम लोगों को भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी आपको आपके लिए लाता रहूँगा. थैंक यू.